आपको बता दें कि उस समय तहसील सदर में गहमा गहमी का माहौल हो गया, जिस समय तहसीलदार मोनालिसा जौहरी और अधिवक्ताओं के साथ नोकझोंक हुई, इतनी नोकझोंक हुई कि तहसीलदार आपको बता दें कि सामने कोतवाली में जाकर रुक गई। रुकने के बाद मामला इतना हंगामा हो गया कि वकील क्रमिक अनशन पर बैठ गए, बाखूबी आप देख रहे हैं। हालांकि एसडीएम सदर आए, आने का समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक ना मानी। हमसे कह रही तुम्हारा बीपी लो, हमसे कह रही ये हमारा, हमसे कह रही बीपी लो, तो पैसा की समान का चल रहा है, उसको देखे तुम्हारे पास। हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ, कार्य कौन करेगा। इस पर उन्होंने सही जवाब न देकर ये बताया कि तहसीलदार कलान जो है उनको चार्ज दिया गया। जब मैंने पूछा किस आदेश के तहत किस तारीख को दिया गया, तो कहा कि ये मुझे नहीं मालूम है, मुझे कोई बता गया था, अनाधिकृत बात। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। इस पर वो आग बबूला हो गई और अभद्र व्यवहार किया, और जो भी अधिवक्ता जाता है उससे अभद्र व्यवहार करती है। मुझसे उन्होंने कहा कि आपका बीपी लो है, तो बीपी लो का होना न होना। हालांकि सारे मामले को उप जिला अधिकारी रामजी मिश्रा ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए लगभग एक घंटा अधिवक्ताओं की और तहसीलदार के बीच वार्ता कराने की कोशिश करी, लेकिन अधिवक्ताओं का विरोध अभी जारी है। और उधर आपको बता दें कि चनप्पा का चला चाबुक, थाना सिदौली के चार शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई, और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया, और पेश करने के बाद में बड़ी मात्रा में क्या कुछ बरामद हुआ, हम आपको सुनवाते हैं कप्तान की जुबान। थाना सिदौली के अंतर्गत आज कुल चार जो अभियुक्तों को पकड़ा गया है, कि विगत महीने में एक दो लूट की घटना हुई थी, किसी से पैसा छीनने की, किसी के कुछ मोबाइल छीनने की, इस तरह का जो हरकतें लोग किए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और इसी में हमारे जो टीम इसमें गठित किया गया था और वर्कआउट हुआ है, इसमें चार अभियुक्तों का गिरफ्तार हुआ है। इसमें दो जो पकड़ा गया अभियुक्त है, इनका क्रिमिनल इतिहास भी है, पहले भी एक चोरी में और लूट में जेल गया है, और अभी इन लोगों से दो लूट की घटना खुलासा कर दिया गया, और इनके पास से चोरी और लूट की दो मोटरसाइकिल, एक चोरी गया था एक लूट गया था, दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और नाजायज असला भी बरामद हुआ है, और जो घटना में जो लूटी गई थी मोबाइल भी बरामद हुआ है, कुछ पैसा बरामद हुआ है। पुलिस को प्रस्तुत कर। और इसी तरीके से आपको बता दें कि थाना मिर्जापुर में तीन लुटेरे बाखूबी आप देख रहे हैं जो खड़े हुए हैं, आठ मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं इनके पास चोरी की, आठ मोटरसाइकिलों के साथ साथ और क्या कुछ बरामद हुआ, हम सुनवाते हैं। थाना मिर्जापुर के अंतर्गत तीन अंतर जनपदीय जो वाहन चोर का जो गैंग को पकड़ा गया है, इसमें तीन अभियुक्त के पास से कुल आठ मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। ये जगह जगह से, कुछ हमारे जिले का, कुछ फर्रुखाबाद से ये जो चोरी हुआ है, इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है, और ये मोटरसाइकिल का जो पूरा जानकारी वगैरह विवेचना में गहराई से छानबीन किया जा रहा है, और जो गिरफ्तार अभियुक्त देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब